फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है, थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को लेके। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कन्वेक्शन किस टाइप का फिनोमिना होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन कहाँ पर अप्लाई होता है, और ये तीनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है जिसके कारण हम लोग इस तीनों चीजों को क्लासिफाई कर सके। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग कुछ लाइव एग्जांपल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं कि कहां पर हमको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की चीजें दिख सकती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंडक्शन की कहानी। तो अगर मैं बात करूं, देखिए तो कंडक्शन के अंदर एक्चुअली होता क्या चीज है, देखिए सीधा सीधा बात यह है कि हमारे पास सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मान लीजिए कि सपोज मेरे पास कोई इस तरीके का शेप है या मान लीजिए कि इस तरीके का कोई सिलेंडर है, चलिए इस तरीके का ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिलेंडर है या आपका कोई बार है, इस बार को मान लीजिए कि हम लोग हीटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हीटिंग कर रहे हैं तो देखिए मान लीजिए कि इसके अंदर क्या इस तरीके के आपके मॉलिक्यूल होंगे, तो ये जो आपका बार है इसमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। तो अगर मैं क्या इसको हीटिंग करना स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, ये अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने फ्लेम लिया है, यहाँ से हीटिंग करना स्टार्ट किया हूँ, तो हम लोग ये देखते हैं कि जब मैं एक एंड को हीट करना स्टार्ट करता हूँ तो कुछ समय के बाद इसका जो दूसरा एंड है वो भी आपका क्या हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये आपका हाई टेम्परेचर पे रहेगा और ये आपका क्या है, लो टेम्परेचर पे रहेगा। तो बेसिकली अगर इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा कि ये हाई टेम्परेचर और ये जो आपका लो टेम्परेचर है, तो इसमें जो आपका मोशन दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन देखो एक्चुअली होता क्या, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, केवल यहाँ से क्या होगा कुछ इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपका क्या होगा, जो हीट है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पर अगर मैं कंडक्शन की बात करूं तो कंडक्शन में आपका मॉलिक्यूल, कभी भी आपका जो मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, केवल आपके क्या है इलेक्ट्रॉन के थ्रू ट्रांसफर हो रही है चीजें। अगर यही चीज मैं बात करूं किसमें, कन्वेक्शन को लेके, तो कन्वेक्शन के अंदर आपको क्या दिखेंगी चीजें, कन्वेक्शन में देखिए मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है। तो ये बताइए कि अगर मैं सॉलिड के अंदर बात करूं तो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल है क्या अपनी जगह से डिस्प्लेस हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है तो डेफिनेटली एक बात तय है क्या कि यहाँ पर मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट है तो वो फ्लूड होगा, और फ्लूड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो फ्लूड के अंदर ये आपका लिक्विड भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो चीजें आपको क्या दिखेगी, ये जो हम लोग फ्लूड की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर मान लीजिए कि हमने हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर मान लीजिए इसके अंदर आपका वाटर भरा हुआ है तो बेसिकली कैसा हीटिंग होगा बताइए, सबसे पहले ये हीट के थ्रू आपका क्या होगा, कंटेनर आपका हीट होगा। तो जब कंटेनर हीट होगा तो कंटेनर में जो हीटिंग चल रही है तो पूरा कंडक्शन चल रहा है, क्योंकि कंटेनर के अंदर का मॉलिक्यूल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, डिस्प्लेस कौन हो रहा है। अब क्या होगा, ये कॉन्टेक्ट में यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल थे जब ये हीट होंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस होना स्टार्ट होगा, और जब ये डिस्प्लेस होगा तो इसकी जगह को भरने के लिए क्या होगा, ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आएगा, मतलब इस तरीके से आपका ये सर्कुलेशन इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये जो आपका कंडीशन है इसमें आपको क्या है, ये आपका कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन के अंदर ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो आपके इसके अंदर का मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, जबकि कन्वेक्शन के अंदर आपके जो मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह से डेफिनेटली रिप्लेस होता है, जबकि कंडक्शन की अगर बात किया जाए तो कंडक्शन में मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। आगे हम लोग बात करते हैं रेडिएशन को लेके, उसके बाद में तीनों में आपको फाइनली कंपेरिजन और लाइव एग्जाम्पल पे आने वाला हूँ। अगर मैं रेडिएशन की बात करूं तो रेडिएशन को लेके काफी लोग क्या है ये समझते हैं कि सीधा सीधा सन से जो रेज आ रही है वही रेडिएशन है, और हम लोग कोई ऐसा रेडिएशन नाम का चीज नहीं जानते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में जितने भी बॉडी है जिसके पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, और डेफिनेटली हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, तो जितनी भी बॉडी है सब के सब आपके क्या है रेडिएशन को एमिट करती है, मतलब हर बॉडी के अंदर रेडिएशंस होता है, लेकिन वो रेडिएशंस का इफेक्ट हम लोग नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, क्यों कंसिडर नहीं किया जाता है, एक बार हम लोग समझते हैं इस चीज को। देखिए सबसे पहली बात, अगर रेडिएशंस की बात करें तो हमारे पास जो एग्जांपल बेसिकली हम लोग जो जानते हैं क्या है, ये हमारा सनरेज है। सनरेज से आपकी क्या आती है, फोटोन फॉर्म में आपका क्या होता है, रेज आती है। तो रेज आती है तो डेट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन। ओके ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल सही है, बट एक्चुअली होती क्या चीज है, अब समझिए। मैं तीनों में कंपैरिजन लेके जा रहा हूं जहां से आपको अब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पहला चीज,
अगर आप देख रहे थे कंडक्शन में तो मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ था, तो नो मॉलिक्यूल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आपका जो है मॉलिक्यूलर, नो मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपको चीजें क्लियर हुई। मतलब डेफिनेटली यहां पर क्या है, थ्रू इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपका ट्रांसफर हो रहा है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें मीडियम आपका रिक्वायर है, जो आपका मीडियम भी आपको नीड पड़ेगा किसमें, कंडक्शन के अंदर। अगर मैं कन्वेक्शन के अंदर आऊंगा तो क्या होगा, कन्वेक्शन में आप देखिए जो आपका मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है। तो अगर मैं आपके बात करूं तो यहां पर आपको मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को लेके तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली आपका क्या है, मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं क्या है, मीडियम की जरूरत पड़ेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब एक बात तो तय है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में आपको मीडियम होना मस्ट है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां मीडियम ना हो हीट ट्रांसफर हो रही हो, जैसे सन से जो रेज आ रही है, तो अगर सन से रेज आ रही है तो अर्थ के बाहर अगर सन है तो वहां तो कोई मीडियम है नहीं, एयर नहीं है वहां पे, तो वहां पर रेज कैसे आ रही है, वहां से रेज आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। मतलब रेडिएशन के लिए क्या है, ये आपका विदाउट मीडियम भी आपका क्या कर सकता है, हीट ट्रांसफर मूव हो सकता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, दिस इज द विदाउट मीडियम। एक्चुअली क्या, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट ये किया गया था कि एक हमारा कंटेनर लिया गया था, और ये जो कंटेनर था आपका बिल्कुल ये आपका वैक्यूम कंटेनर था, इसमें दो प्लेट रखा गया था, एक को हाई टेम्परेचर पे, एक को आपका लो टेम्परेचर पे। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, जो ट्रांसफर हो रहा था वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, एक्चुअली क्या है, इस कंटेनर के अंदर जब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर की दो प्लेट को रखी गई तो देखा गया कि कुछ समय के बाद इनके बीच में क्या है, जो दोनों बॉडी का टेम्परेचर वो बैलेंस हो गया। मतलब कहीं ना कहीं दोनों प्लेट के बीच में क्या है, हीट का ट्रांसफर हुआ है। और इसी कंसेप्ट को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, और फाइनली ये समझ में आया कि बिल्कुल विदाउट मीडियम भी आपका हीट ट्रांसफर हो सकता है, और विदाउट मीडियम जो आपका हीट ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशंस बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि रेडिएशन मैंने लिखा है विदाउट मीडियम में होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मीडियम होगा तो रेडिएशन नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, विदाउट रेडिएशन, विदाउट मीडियम रेडिएशन होता है ये मस्ट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका मीडियम है तो वहां पर रेडिएशन नहीं होगा। मतलब रेडिएशन जो है विदाउट मीडियम भी हो सकता है और मीडियम के साथ भी हो सकता है, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन कभी भी आपका विदाउट मीडियम पॉसिबल नहीं है। कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हमेशा आपको क्या होगी, मीडियम की जरूरत पड़ेगी ही, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अगर हम लोग किसी सॉलिड बार के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि हीट ट्रांसफर कैसा होता है तो कंडक्शन होता है, किसी फ्लूड के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो वो कन्वेक्शन होता है, अगर आप कोई दो फ्लूड को मिक्सिंग करते हो तो उसके अंदर भी आपका कन्वेक्शन वाला फिनोमिना काम करता है। और अगर मैं रेडिएशंस की बात करूं तो रेडिएशंस आपके जो है, ये आपका रेडिएशंस के बारे में मुझे दो तीन चीजें और बतानी है, समझिए इस चीज को, ये रेडिएशंस को लेकर ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसा कि हमने रेडिएशंस में देखा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, याद है आपको, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सीधा सीधा जो इसमें हीट ट्रांसफर होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर की पावर 4 होता है, सीधा सीधा। और कंडक्शन में अगर आप देखेंगे, हम लोग आगे बात करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, कन्वेक्शन में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या है कि टी की पावर 4 है, मतलब ये है कि अगर आपकी कोई भी बॉडी है उस बॉडी के अंदर अगर आपका टेम्परेचर है तो डेफिनेटली उसके अंदर रेडिएशंस होगा, लेकिन जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर एक सिग्मा आ जाता है कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 5.67 × 10⁻⁸। अब बताओ ये जो वैल्यू निकल के आया 10⁻⁸ कितनी छोटी वैल्यू है, और यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग केल्विन में रखते हैं, तो जब आप अगर मान लो टेम्परेचर इस बॉडी का कम होगा तो उसको जब मल्टीप्लाई करोगे इतनी छोटी अमाउंट से तो डेफिनेटली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। मतलब एक बात तय है क्या कि किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है तो डेफिनेटली उसके अंदर रेडिएशन होगा, लेकिन टेम्परेचर कम होगा तो उसमें रेडिएशन का इफेक्ट नेगलेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए हम लोग क्या है, हर बॉडी के अंदर हम लोग रेडिएशन का इफेक्ट नहीं लेते हैं। तो बात है कि रेडिएशन का इफेक्ट कहां लेना चाहिए, जहां पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या टेम्परेचर का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, वहां पर हम लोग रेडिएशन का इफेक्ट लेते हैं। एग्जाम्पल सुनिएगा, डेट इज द वेरी वेरी एग्जाम्पल, जो मैं लाइव एग्जाम्पल्स की बात कर रहा था यहां पर। ये मान लीजिए कि आपके घर में पहले बल्ब चलता था, आजकल तो CFL और LED आ चुका है,
तो ये जो आपके पुराने जमाने के बल्ब है, हालांकि अभी भी देखने मिल जाएगा, ये आपके इसके अंदर क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। और टंगस्टन का फिलामेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो ये आपका टंगस्टन का फिलामेंट। अब बताओ बाहर का सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अंदर का टेम्परेचर टंगस्टन का देखोगे तो 800, 900, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका देखो अंदर का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस और ये 30 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर आप टेम्परेचर का डिफरेंस देख रहे हैं, इतना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस है, जिसके चलते क्या इसमें आप रेडिएशन का इफेक्ट ले सकते हो। और एग्जांपल अगर मैं बात करूं बॉयलर को लेके, बॉयलर के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, डिपेंड करता है किस टाइप का बॉयलर है, बट फिर भी अगर हम लोग बात करें तो 150, 200, 250 डिग्री सेल्सियस तक का अंदर का टेम्परेचर होता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस, अंदर का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए आपका टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज्यादा है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपको रेडिएशन का इफेक्ट आएगा। अगर मान लीजिए कि सपोज ये आपका फ्लूड है, आप इसको हीट कर रहे हो, तो यहाँ पर फ्लेम या कंटिन्यू हीट को ट्रांसफर करते चले जा रहा है, तो इसके बीच में बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। इसके चलते क्या होगा, यहाँ पर आप रेडिएशन का इफेक्ट, रेडिएशन तो होगा लेकिन उसका इफेक्ट बहुत नेग्लेक्ट आएगा। सेम चीज आपका यहाँ पर होता है, वही चीजें। और इसके अलावा अगर मैं इस पर बात करूं तो जो हमारा फर्नेस होता है, ब्लास्ट फर्नेस हो गया, ठीक है, तो ये आपका फर्नेस है इस तरीके से, उसका जो वॉल होता है ये आपका ब्रिक्स की डिजाइनिंग होती है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपकी हीट करते हैं अंदर, पूरा आपका हीटिंग होता है, तो ये ब्रिक्स की लाइनिंग है, तो नो डाउट ये आपका क्या है, थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ब्रिक्स के अंदर जो वॉल लगे हुए, जो ब्रिक्स लगे हुए, जो वॉल में आपके ब्रिक्स कनेक्टेड है, इसका टेम्परेचर बहुत कम होगा इनर सरफेस का, लेकिन अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होगा, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर आपको रेडिएशन का इफेक्ट क्या मिलेगा, बहुत कम, सॉरी बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आपका बहुत कम है। तो जहां पर आपका देखो टेम्परेचर डिफरेंस आपका क्या है, बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको डेफिनेटली रेडिएशन का इफेक्ट क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर आपको टेम्परेचर का डिफरेंस कम था, इसलिए यहाँ पर आपको क्या था, रेडिएशन का इफेक्ट क्या था, कम मिल रहा था। इसीलिए हम लोग बेसिकली इस तरीके के एग्जांपल्स में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। आप नॉर्मली घर में पानी गर्म कर रहे हो, डेट इज द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। कंडक्शन की बात करोगे, आप कोई सॉलिड बार कर रहे हो या किसी आप केवल कंटेनर को, किसी बर्तन को अगर आप घर पे गर्म कर रहे हो, डेट इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। बट ये रेडिएशन के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस मिला होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा हुआ है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन जो है, इसके बीच में आपके बेसिक क्या क्या आपके डिफरेंस हो सकते हैं, और इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स के बारे में। तो एक बार जस्ट मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ, बेसिक डिफरेंस क्या दिख रहा था। कंडक्शन, मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपका हीट ट्रांसफर होता है और इसमें मीडियम की जरूरत पड़नी ही है। कन्वेक्शन भी विथ मीडियम के साथ ट्रांसफर होता है और इसमें आपके मॉलिक्यूल डिस्प्लेसमेंट भी होंगे और मॉलिक्यूल भी रिक्वायरमेंट, इसमें मीडियम भी रिक्वायरमेंट होगा। रेडिएशन के अंदर जाओगे तो क्या होगा, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब मीडियम होगा तब भी वहां पर रेडिएशन चलता रहता है। और यहाँ पर ये आपको कंडीशन दिख रहे हैं, और ये हमारा जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, जहां पर आपको टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखेगा वहीं पर आपको रेडिएशन का इफेक्ट दिखेगा। तो ये जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, कौन कौन सा, एक तो हमने बल्ब का एग्जाम्पल लिया हुआ है, दूसरा बॉयलर का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तीसरा हमारे पास जो फर्नेस होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, उसका हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ये हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को लेकर एक बेसिक डिफरेंस था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।